सिद्ध टेक का सिद्धि विनायक मंदिर एक प्रसिद्ध मंदिर है जो ज्ञान के देव माने जाने वाले श्री गणेश जी को समर्पित है। ये मंदिर अष्ट विनायक की सूची में भी शामिल है। महाराष्ट्र राज्य में गणेश जी के 8 सम्मानित मंदिरों की कड़ी है। यह मंदिर अहमदनगर जिले के करजत क्षेत्र के सिद्धटेक में भीमा नदी के उत्तरी तट पर स्थित है। सिद्धटेक को मोरगांव के बाद अष्ट विनायक मंदिरों में आने वाली सूची में दूसरे स्थान पर माना जाता है। सिद्धटेक के गणेश मंदिर की प्रतिमा में उनकी सूंड सीधे हाथ की ओर मुड़ी हुई है। आमतौर पर गणेश जी की सूंड बाईं ओर मुड़ी होती है। ऐसा माना जाता है कि सीधे हाथ पर सूंड वाले गणपति जी अत्यंत शक्तिशाली होते हैं, लेकिन उन्हें प्रसन्न करना उतना ही कठिन होता है। इस क्षेत्र में एकमात्र अष्ट विनायक मंदिर है जहां पर गणेश प्रतिमा की सूंड सीधे हाथ पर है। परंपरागत रूप से ऐसी प्रतिमा वाले गणेश जी को सिद्धि विनायक नाम दिया जाता है। यहाँ सिद्धि का अर्थ है उपलब्धि, सफलता और अलौकिक शक्तियों के दाता। इस प्रकार मंदिर को जागृत क्षेत्र भी कहा जाता है, जहाँ के देवता को अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है। सिद्धटेक में सिद्धि विनायक मंदिर एक बहुत ही सिद्ध स्थान के रूप में प्रतिष्ठित है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ भगवान विष्णु ने सिद्धियां हासिल की थी। कहते हैं कि विष्णु जी के कान के मैल से 2 दैत्य पैदा हुए थे जिनका नाम था मधु और कर्तव। विष्णु जी पूरे प्रयास के बाद भी उनका अंत नहीं कर सके तो वे शिव जी की शरण में गए। तब उन्होंने उत्तर दिया कि वे प्रथम पूज्य गणेश जी का आवाहन करना भूल गए हैं, इसलिए वे असुरों को पराजित नहीं कर पा रहे हैं। इसके बाद भगवान विष्णु सिद्धटेक में तपस्या करने लगे। ओम श्री गणेशाय नमः मंत्र का जाप कर उन्होंने गणपति को प्रसन्न किया। गणपति जी के आशीर्वाद से मिली सिद्धियों से विष्णु जी ने दोनों दानवों का संहार कर दिया। सिद्धि विनायक मंदिर एक पहाड़ की चोटी पर बना हुआ है जिसका मुख्य द्वार उत्तर दिशा की ओर है। मंदिर की परिक्रमा के लिए पहाड़ी की यात्रा करनी होती है। यहाँ पर गणेश जी की मूर्ति 3 फीट ऊंची और 2.5 फीट चौड़ी है। मूर्ति का मुख उत्तर दिशा की ओर है। ये सबसे पुराने मंदिरों में से एक है जो करीब 200 साल पुराना है। वास्तविक मंदिर का निर्माण विष्णु जी ने किया था, जबकि समय समय पर इसे नष्ट भी किया गया था। कहा जाता है कि बाद में चरवाहों ने सिद्धि विनायक मंदिर की खोज की थी। चरवाहे रोजाना मंदिर के मुख्य देवता की पूजा अर्चना करते थे। वर्तमान मंदिर का निर्माण 18वीं शताब्दी में इंदौर की दार्शनिक रानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था और इसके साथ साथ उन्होंने बहुत से हिंदू मंदिरों की अवस्था में सुधार भी किया था। पेशवा शासकों के अधिकारी सरदार हरिपंत फड़के ने नगर खाने और मार्ग का निर्माण करवाया था। मंदिर में 3 प्रमुख उत्सव मनाए जाते हैं, गणेश प्रकोत्सव जो गणेश चतुर्थी के समय मनाया जाता है। ये उत्सव हिंदू माह भाद्रपद के पहले दिन से 7वें दिन तक मनाया जाता है, जिनमें से 4थे दिन गणेश चतुर्थी आती है। इस उत्सव पर मेले का भी आयोजन किया जाता है। इसके बाद भगवान गणेश के जन्मदिन को समर्पित माघोत्सव गणेश जयंती मनाया जाता है, जो हिंदी माघ महीने के 4थे दिन मनाया जाता है। इस उत्सव को महीने के पहले से 8वें दिन तक मनाया जाता है। इस उत्सव के समय भगवान गणेश की पालकी भी निकाली जाती है। ये मंदिर छोटी पहाड़ी पर बना हुआ है।
जो और साथ ही चारों तरफ बबूल के पेड़ों से घिरा हुआ है और सिद्ध टेक गांव से 1 किलोमीटर दूर पर स्थित है। देवता को संतुष्ट करने के लिए श्रद्धालु छोटी पहाड़ी की 7 प्रदक्षिणा लगाते हैं। वहां कोई पक्की सड़क ना होने के बावजूद लोग भगवान को खुश करने के लिए पत्थरों से भरी कच्ची सड़कों की प्रदक्षिणा करते हैं। ऐसी ही नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल भक्ति बौछार को सब्सक्राइब करें, हमारे Facebook पेज को लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करना ना भूलें।